ओके जी, एक्टिव डायरेक्टरी का आज आपका फर्स्ट लेक्चर है। एक्टिव डायरेक्टरी की अब तक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो सही है। अगर आपने डोमेन एनवायरनमेंट बनाना हो तो आपको एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करनी पड़ती है, वैसा ही है ना। अगर आपके पास वर्क ग्रुप है और आप EDS इंस्टॉल कर लेते हैं, दैट मीन्स कि आप वर्क ग्रुप को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, डोमेन एनवायरनमेंट में, ठीक है। लेकिन अब हमने डायरेक्टली जो EDS के मैटर्स हैं उन्हें देखना। इससे पहले तो हमने EDS की सिर्फ वो चीजें देखी जो हमारी किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से रिलेट करती थी। लाइक हम ड्राइवर साइनिंग पढ़ रहे होते थे तो हम देख लेते थे कि ग्रुप पॉलिसी को किस तरह मॉडिफाई करना, ठीक है। हमें कभी ओकेजनली यूजर अकाउंट बनाना होता था तो हम EDS ओपन करते थे। लेकिन अब हमने EDS के लेक्चर्स करने हैं जो EDS ओरिएंटेड, ठीक है। स्टार्ट हम लेंगे इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले क्या होगा, इंट्रोडक्शन टू एक्टिव डायरेक्टरी। इंट्रोडक्शन के बाद हम करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी की मेंटेनेंस। समझ में आ रही बात, पहले तो हो गया ना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का एक लेक्चर होगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्टिव डायरेक्टरी मेंटेनेंस। इसमें हम देखेंगे EDS का बैकअप कैसे होता है, EDS रीस्टोर कैसे होती है, EDS को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, ये तमाम चीजें इसमें होंगी। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस जो है वो कहाँ पे रिजाइड करता है। हम ये देखेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी की डेटाबेस फाइल्स कौन कौन सी हैं, NTDS.diff का क्या मतलब है, ठीक है। बात समझ में आती, तो डिटेल के साथ एक्टिव डायरेक्टरी मेंटेनेंस में डेटाबेस और उसका मेंटेनेंस प्रोसीजर देखा जाएगा। उसके बाद हम करेंगे मैनेजिंग यूजर अकाउंट्स एंड ग्रुप्स। इसमें यूजर अकाउंट्स और ग्रुप्स की एडमिनिस्ट्रेशन होगी, लेकिन बातें थोड़ी ज्यादा हैं। आपको यूजर अकाउंट बनाना तो अब भी आता है, ऐसे ही ना यूजर अकाउंट आप बना सकते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी में जो हमने यूजर अकाउंट मैनेजमेंट देखनी है वो जरा थोड़ा सा अपर लेवल की है। हम ये देखेंगे कि बल्क इंपोर्ट प्रोसेस क्या है, यानी हमें अगर बल्क में यूजर अकाउंट्स बनाने, बहुत सारे यूजर अकाउंट्स बनाने, 100 अकाउंट बनाने, 200, 300, उसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग बैच ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म किए जा सकते हैं आसानी से, ये हम देखेंगे। उसके बाद ग्रुप की टाइप्स देखेंगे, ग्रुप का स्कोप देखेंगे, ये डिटेल्स होंगी सारी। उसके बाद जनाब लेक्चर आता है आपका ऑपरेशन मास्टर्स, ठीक है। इसका मैं आपको अभी ओवरव्यू नहीं दे सकता क्योंकि अभी आपने एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन मेरा एक सेपरेट लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये ना पता हो तो आप एक्टिव डायरेक्टरी डिजास्टर को हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी रेप्लिकेशन और लास्ट में हम करेंगे ग्रुप पॉलिसी, ठीक है। बहुत सारी और चीजें जो इसी के अंडर आ जाएंगी। लाइक अगर आप कहते हैं सर सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट नहीं लिखा हुआ, तो मेरा आंसर ये होगा कि सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट यहीं पे, ठीक है। जो ग्रुप पॉलिसी का लेक्चर है उसी में हमने सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट भी देखी। बात समझ में आ रही, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ऐसी में आ रही है। ये मेन लेक्चर है जो हमने करने हैं। इसमें ये दो लेक्चर ऐसे हैं जो मोर देन वन लेक्चर ले जाते हैं, बाकी सारा एक एक लेक्चर का काम है, ठीक है। इंट्रोडक्शन एक लेक्चर में हो जाता है। इस मैंने एक चीज बीच में नहीं लिखी, ये यहां पे ऐड कर लें। एक और चीज एक्टिव डायरेक्टरी की इंस्टॉलेशन, उसकी वजह ये है कि आपको विजर्ड रन करना तो आता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सा रेडियो बटन सेलेक्ट करने से क्या होता है। आपको बस ये पता है कि DC प्रोमो लिख के एंटर कर दें, ओके ओके करते जाए तो EDS इंस्टॉल हो जाती है। लेकिन हम बेसिकली ये बात करेंगे कि किस ऑप्शन का क्या मतलब है। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो स्टार्ट लेते हैं किससे, इंट्रोडक्शन टू एक्टिव डायरेक्टरी। सबसे पहला आपका लेक्चर क्या है, इंट्रोडक्शन टू एक्टिव डायरेक्टरी। सॉरी, अच्छा, अगर आपसे पूछूं एक्टिव डायरेक्टरी क्या है तो आपके सामने क्या आता है, यस, क्या है एक्टिव डायरेक्टरी, व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी। खुर्रम, एक्टिव डायरेक्टरी क्या है? सो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होती है इसमें। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होती है किसकी, डेटाबेस में क्या पड़ा हुआ होता है, यूजर्स का डेटा, यूजर्स का डेटाबेस। सिर्फ यूजर्स होते हैं, कंप्यूटर्स भी होते हैं, सिर्फ यूजर और कंप्यूटर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स होते हैं। तो कोई ऐसा नाम ले लेना जिसमें यूजर, कंप्यूटर्स, रिसोर्सेज सब आ, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट,
क्या हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऐसा ही है ना? ठीक है, जब आपने बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स की मैनेजमेंट करनी हो तो उसका अच्छा तरीका ये होता है कि उन तमाम ऑब्जेक्ट्स को एक जगह पे रख लिया जाए। लाइक कॉर्बेट में मैं कहता हूँ बहुत सारे रजिस्टर्स हों जिनमें तमाम स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन हो, उससे बेहतर ये है कि एक बड़ा रजिस्टर हो जिसमें सबकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। बात समझ आ रही है? एक्टिव डायरेक्टरी क्या है? इट इज अ सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी दैट स्टोर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट्स। मैं लिख रहा हूँ नोटपैड में, नोट कर रहे हैं। रिपोजिटरी कहते हैं एक ऐसी लोकेशन को जिसपे तमाम ऑब्जेक्ट्स की, रेलेवेंट ऑब्जेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन, जिस तरह आपकी टेलीफोन डायरेक्टरी होती है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? यूजर, कंप्यूटर, रिसोर्सेज। बस आप यूजर, कंप्यूटर एक्सेट्रा लिखते हैं, बात पूरी हो जाए। ये एक्टिव डायरेक्टरी की डेफिनेशन है। एक्टिव डायरेक्टरी, बात समझ में आती है? ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। तो ये बेसिकली एक डायरेक्टरी है जिसमें यूजर्स की इंफॉर्मेशन है, कंप्यूटर्स की इंफॉर्मेशन है, रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन है, सेंट्रलाइज डेटाबेस है जिसमें सब कुछ स्टोर होता है। ठीक है, बात क्लियर होती है? पक्की बात। अब जनाब हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हमें इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर एक्टिव डायरेक्टरी ना हो तो फिर इसका ऑल्टरनेटिव ये है कि आप वर्क ग्रुप बनाए, और वर्क ग्रुप में आपको पता है स्केलेबिलिटी नहीं होती। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मेजर ऑफ एक्सपेंशन। ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें ग्रोथ सपोर्ट हो वो स्केलेबल होता है। बात समझ में आ रही है? और ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें ग्रोथ सपोर्ट ना हो, अगर ग्रोथ सपोर्ट नहीं है, बड़े होने की सपोर्ट नहीं है, तो उसका नुकसान ये होता है कि जब एनवायरनमेंट बड़ा होता है ना तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बढ़ जाता है। आप देख लें वर्क ग्रुप में अगर आपके पास 5 कंप्यूटर्स हैं तो एक यूजर के लिए कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे? 5। अगर कंप्यूटर 10 हो फिर कितने अकाउंट बनाएंगे? 10। 11 हो जाए फिर कितने अकाउंट? 11। इसका मतलब है विद द इंक्रीज इन एनवायरनमेंट देयर विल बी अ कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऐसा ही हो रहा है ना, बर्डन बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर आपके पास डोमेन एनवायरनमेंट हो तो चाहे 10 कंप्यूटर हो या 10,000 कंप्यूटर, एक यूजर के लिए एक अकाउंट। रिसोर्स एक्सेस। बात समझ में आती है? ये सबसे बड़ा बेनिफिट है किसका? एडीएस का। अगर वर्क ग्रुप हो तो वन यूजर होगा, मल्टीपल अकाउंट्स, वन अकाउंट। अब क्या है, एक यूजर के लिए एक अकाउंट ही बनाना पड़ रहा है इसको। यानी यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आप जब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कौन से कंपोनेंट्स इंस्टॉल किए, और आपको ये पता होना चाहिए कि एक्टिव डायरेक्टरी का जो डेटा बेस है उसमें क्या चीज। ठीक है, देखें आप जब आप एडीएस के डेटाबेस की या एडीएस के लो लेवल स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, तो हमें ये देखना पड़ता है कि एक्टिव डायरेक्टरी में किस किस्म के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, और वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज किस किस्म की हो सकती है। आप समझ में आ रही है? ऑब्जेक्ट किस किस्म के हो सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज किस किस्म की हो सकती है। ठीक है, लाइक
आप एक मिठाई की दुकान पे जाते हैं स्वीट शॉप पे, और आप उनसे कहते हैं कि मुझे एक शर्ट दे, वो आपको शर्ट नहीं दे सकते, ऐसा ही है ना। या किसी स्टेशनरी की शॉप पे जाके आप कहते हैं कि यार 2 किलो रसगुल्ले दे दो, आपको नहीं दे सकते, ऐसा ही है ना। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जिस जगह आप जा रहे हैं वो किस किस्म के ऑब्जेक्ट्स कंटेन कर सकता है, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो किस किस्म के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं ये कौन डिफाइन करता है? स्कीमा। बात समझ में आ रही है? एक्टिव डायरेक्टरी का स्कीमा ये बताता है कि एक्टिव डायरेक्टरी में किस किस्म के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, समझ में आ रही बात? लाइक यूजर हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, रिसोर्सेज हो सकती हैं, फोल्डर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं मैं एक नया ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना चाहता हूँ, मेरी कंपनी जो है वो कपड़ा बनाती है, मैं एक टेक्सटाइल यूनिट में जॉब करता हूँ, मैं चाहता हूँ कपड़े की प्रॉपर्टीज भी एडीएस में आते हैं। तो आप कहते हैं ठीक है जी, एक्टिव डायरेक्टरी में एक नया ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देते हैं जिसका नाम होगा क्लोथ, समझ में आ रही बात? तो ये पॉसिबल है। या आपकी कंपनी डिवाइसेस बनाती है, आप सिस्को सिस्टम्स में जॉब करते हैं, ठीक है, आपकी कंपनी राउटर बनाती है, स्विच बनाती है, हब बनाती है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट बनाती है, आप क्या कहते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी में एक नया ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो जाए जिसका नाम क्या होगा? डिवाइसेस। समझ में आ रही बात? तो ये पॉसिबल है, और ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी का स्कीमा एक्सपेंडेबल है, आप स्कीमा को एक्सटेंड कर सकते हैं, स्कीमा को बढ़ाया जा सकता है, और स्कीमा के अंदर क्या है? ऑब्जेक्ट क्लासेस हैं और उनकी प्रॉपर्टीज हैं। ऑब्जेक्ट क्लास लाइक यूजर क्या है? आप एक यूजर अकाउंट बनाते हैं एडीएस में ताहिर, तो आपने क्या बनाया? आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया जो यूजर क्लास का इंस्टांस है, इंस्टांस कहते हैं कॉपी को। बात समझ में आ रही? आप अगर गाड़ी बना लेते हैं तो आपने दुनिया की कोई नई चीज बनाई है? नई चीज बनाई, गाड़ी पहले से एग्जिस्ट करती है, तो आपने गाड़ी की कॉपी बनाई है, ऐसे ही है ना। तो एडीएस में अगर आपने एक नया कंप्यूटर डिक्लेयर किया है तो आपने एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो एडीएस अंडरस्टैंड करता है उसकी कॉपी बनाई, यानी इंस्टांस बनाई। समझ में आ रही बात? ऑब्जेक्ट की डिफरेंट क्लासेस है, यूजर एक क्लास है। अगर आपने यूजर अकाउंट बनाया विद द नेम ताहिर, तो आपने बेसिकली यूजर क्लास का एक इंस्टांस क्रिएट किया जिसका नेम क्या है? ताहिर। समझ में आती बात? अगर आपने कंप्यूटर बनाया पीसी वन फॉर एग्जाम्पल, तो आपने कंप्यूटर क्लास का एक इंस्टांस बनाया जिसका नाम क्या? पीसी वन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आप एक डिवाइसेस बनाना चाहते हैं, आप कहते हैं मल्टी मीडिया इसमें आ जाए, कैमरा इसमें आ जाए, तो डिवाइसेस की क्लास मौजूद नहीं। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? बड़ी क्लास भी ठीक है, और इसके लिए एडीएस की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए और प्रोग्रामिंग की भी, तब आप ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप एडीएस के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करते हैं। स्कीमा को वही बंदा छेड़ेगा जो एक्सपर्ट है, जिसके पास स्कीमा की और स्कीमा के साथ साथ एक्टिव डायरेक्टरी प्रोग्राम की कंप्लीट नॉलेज है, वही स्कीमा को मॉडिफाई कर सकता है, अदरवाइज लीव इट डिफॉल्ट। ऐसा ना करें, कोई ऐसी साइंसदानी करने की कोशिश ना करें जिससे क्या हो, पुरानी एडीएस से भी दरहाल हो। ठीक है, बहरहाल ये पॉसिबल, इतनी बात क्लियर हो गई। अब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में भी तो बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं, लाइक आप यूजर की प्रॉपर्टीज में जाते हैं, फर्स्ट नेम आ रहा होता, लास्ट नेम, सिटी, कंट्री, ये सब कुछ आ रहा होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं इन्हें एडीएस की जबान में क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स। यानी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में आपको जो भी चीजें नजर आ रही हैं वो क्या है? एट्रीब्यूट्स। आप कहते हैं एक नया एट्रीब्यूट आ जाए, पिक्चर। आप कहते हैं यूजर जब मैं बनाऊं तो पिक्चर का एट्रीब्यूट आ रहा हूं, ब्राउज करके यूजर की पिक्चर लगा दें, ताहिर की प्रॉपर्टीज में जाए तो ताहिर की पिक्चर भी आ रहा है। क्या ये पॉसिबल है? ऑफ कोर्स पॉसिबल। जिस तरह से नई क्लासेस डिक्लेयर की जा सकती है, उसी तरह हर क्लास के जो एट्रीब्यूट हैं उन्हें भी आप बढ़ा सकते हैं, समझ में आ रही बात? और इनमें वो क्लासेस भी शामिल हैं जो आप बनाएंगे, और प्री डिफाइंड क्लासेस भी शामिल हैं। यूजर प्री डिफाइंड क्लास है ना, लेकिन उसके एट्रीब्यूट आप ऐड कर सकते हैं, समझ में आ रही बात? एग्जैक्टली, स्कीमा के अंदर चीजें ही दो हैं, ऑब्जेक्ट क्लासेस, एट्रीब्यूट। अगर अभी मैं आपको स्कीमा ओपन करके दिखाऊं तो उसमें आपको सिर्फ दो चीजें नजर आएंगी, क्लास नजर आएगी, एट्रीब्यूट नजर आएगी। समझ में आती बात? स्कीमा ओपन करने के लिए आपके पास कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स इंस्टॉल होने चाहिए। अगर आपके पास कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स इंस्टॉल हैं, तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है।
ओपन करें एमएमसी और एमएमसी में ऐड रिमूव स्नैपर्स में जाएं, ऐड करवाएं और क्या ऐड करवा दें देखें। एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा नजर आ रहा है और नजर आ रहा है एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा नहीं नजर आ रहा नहीं यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा नहीं है, ये तीन चार टूल्स नजर आ रहे हैं लेने के, लेकिन इसमें एक्टिव डायरेक्टरी कहीं भी ठीक है ना। yes, तो उसकी वजह ये है कि इस वक्त इसमें कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स इंस्टॉल नहीं हुए, समझ में आ रही बात। yes, तो आप क्या करें रन में जाके लिखें एडमिन पैक डॉट MSI ताकि कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स इंस्टॉल हो। जब कंप्लीट टूल्स इंस्टॉल हो जाएंगे देन आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा की ऑप्शन होगी। नेक्स्ट कर दें जी बिल्कुल एडमिन पैक डॉट MSI XP पर भी इंस्टॉल हो सकता है लेकिन XP पे ये अवेलेबल नहीं होता इसलिए आप इस तरह रन नहीं कर सकते। आप सर्वर की CD XP में इंसर्ट करें और उसके बाद रन करें और CD के अंदर से तो इंस्टॉल हो जाए। आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर है यस इंस्टॉल हो जाए। एरर इसीलिए देते हैं ना, मैंने आपको रीजन बता दी। आप उसी तरह रन में जाकर एडमिन टॉप बैक डॉट MSI यही करते हो ना। किसका XP का सर्वर ना करो यार, यही मसला होता है जब आप लोग गलत बात करें उसके अंदर जाके रन किए ना करो, जिद ना करें प्लीज, उसके अंदर जाके नहीं रन किए मान लें। और फिर आपके एक्टिव आपका जो iFleets का फोल्डर है उसमें एडमिन पैक डिलीट हुई रन नहीं होगा। नहीं मैं क्यों करके दिखाऊं, मेरी बात पे यकीन आ गया, करके देख लीजिएगा हो जाएगा। हो जाता ठीक है, हो जाता है इंस्टॉल। बल्कि आपकी क्लास में तो शुरू के दिनों में क्वेश्चन भी किसी ने किया था, मैंने करके दिखाया था, आप लोगों ने किया था क्वेश्चन। ओके तो कीजिएगा, दोबारा हो जाएगा इंशाल्लाह, फाका करेगा अल्लाह। अगर परेशानी होती तो आइएगा, हम आपको नया सोर्स देंगे अच्छा वाला, उससे जरूर हो जाएगा। अच्छा यहाँ तो बात क्लियर होगी। अब मैंने एडमिन पैक डॉट MSI रन करके इसमें एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर दी है। एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की है, एडमिन पैक इंस्टॉल की है, एडमिन पैक इंस्टॉल की है। तो इसका फायदा ये होगा कि अब अगर मैं रन में जाऊंगा तो मेरे पास क्या चीज अवेलेबल होगी, स्कीमा। स्कीमा एड मूव स्नैपिंग्स एड, ये देखिए एड कर दें। इस वक्त मकसद सिर्फ क्या है, आपको दिखाना कि आपको इसके अंदर दो चीजें नजर आ रही हैं, क्लासेस एट्रीब्यूट्स। बात क्लियर होती है? Yes, sir. तो मैंने कहा था स्कीमा एक्सपेंडेबल है। अभी अगर मैं राइट क्लिक करूं न्यू एट्रीब्यूट की ऑप्शन भी मिलेगी, न्यू क्लास की भी ऑप्शन मिलेगी। अल्लाह करे कि कोई क्लास इतनी नॉलेजेबल आए हमारे पास जिसमें हमें एट्रीब्यूट और क्लासेस बना के दिखानी पड़े, अभी तक नहीं आई। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर हो गई है। बहरहाल तरीका यही है जो मैंने आपको बता दिया, और आपको जरूरत नहीं है इस पे ज्यादा सोचने की, उसकी वजह कि शायद ही आपको मेरली जरूरत पड़ेगी इसकी क्लास और एट्रीब्यूट बनाने की, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ये कितनी कितनी चीजों से रिलेट होगी। जब रिलेट करेंगे तो पता, जब वो चीजें हम पढ़ेंगे जिनमें स्कीमा की नॉलेज इन्वॉल्व होगी तो आपको क्लियर होगा कि ये पता होना कि स्कीमा किस बला का नाम है क्यों जरूरी है। यहां तक बात क्लियर है सबको? ओके जी, स्कीमा मैंने आपको समझा दिया। स्कीमा में दो चीजें थी, क्लासेस एट्रीब्यूट, ठीक है, और स्कीमा डिफाइन करेगा कि ADS की शक्ल क्या होगी। एक इंपॉर्टेंट चीज जो पता होनी चाहिए वो ये कि पूरे ADS फॉरेस्ट में स्कीमा की शक्ल एक जैसी होगी। आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी में बहुत सारे डोमेन कंट्रोलर्स हो सकते हैं। मैं समझाना ये चाहता हूं कि आप स्कीमा अगर मॉडिफाई करेंगे तो उसको रेप्लिकेट किया जाएगा हर DC, समझ में आ रही बात। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका हर DC को नहीं बताया जाता। स्कीमा इज नॉट वन ऑफ दोस। स्कीमा ऐसी चीज है जिसकी इंफॉर्मेशन तमाम डोमेन कंट्रोलर्स को बताई जाती है, ठीक है। इसकी डिटेल में आपको आने वाले लेक्चर में बताऊंगा, अभी परेशान ना। ओके जी, स्कीमा पे जो हमने बात करनी थी वो कर ली। अब हम आते हैं एक्टिव डायरेक्टरी में दो तरह के स्ट्रक्चर हैं जिनके साथ आपका वास्ता रहेगा। एक है यस सारे ADS में एक ही जैसा स्कीमा, बिल्कुल स्कीमा एक ही, स्कीमा एक ही जैसा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा तो इससे बहुत सारी चीजें के डोर्स ओपन होंगे। ये आपने याद रखना है कि पूरी एक्टिव डायरेक्टरी का स्कीमा एक है, एक स्कीमा। बात समझ में आ रही है? यस।
ठीक है। स्कीमा जो है ना वो ऑब्जेक्ट की बेसिक जो लेआउट है ना वो डिफाइन करता है। यानी कि सर हम अगर ये टाइमलाइन के कौन की कोई भी स्कीमा को जाके छेड़ते हैं, उसके एट्रीब्यूट छेड़ते हैं, तो वो सारी सारी एडिट्स में उसका फर्क पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। आप क्या छेड़ रहे हैं? हम इनके ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को, एट्रीब्यूट्स को छेड़ रहे हैं या एट्रीब्यूट की वैल्यूज को छेड़ रहे हैं? वैल्यूज को छेड़ रहे हैं ना। स्कीमा में क्या चीज है? एट्रीब्यूट्स हैं या वैल्यूज? एट्रीब्यूट्स है ना, सिटी एट्रीब्यूट है, लाहौर वैल्यू है। स्कीमा में लाहौर नहीं है, स्कीमा में क्या है? सिटी है। स्कीमा में पता क्या है? स्कीमा में ये लिखा हुआ है कि सिटी की जो वैल्यू है वो अल्फा न्यूमेरिक है। स्कीमा में लिखा हुआ है कि पीओ बॉक्स जो होगा उसकी वैल्यू न्यूमेरिक है। स्कीमा में लिखा हुआ है एक्सपायरेशन की जो वैल्यू है वो डेट है। अगर आप कहते हैं मैंने स्कीमा छेड़ा है, तो आप ये कह रहे हैं कि मैंने बता दिया है कि डेट में अब अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आएगी बल्कि एबीसी आएगा। ये तो आपने नहीं किया। अगर आप किसी यूजर को क्रिएट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, तो आप स्कीमा को थोड़ी छेड़ रहे हैं। आप तो एक ऑब्जेक्ट की का इंस्टांस बना रहे हैं। स्कीमा पता कैसे छेड़ेंगे आप? आप कहते हैं मैंने सर मॉडिफिकेशन कर दी है, अब जब आप यूजर की प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो वहां पर सिटी की जगह लिखा हुआ आ रहा होगा स्टेट। समझ में आ रही बात? आप कहते हैं कि मैंने मॉडिफाई कर दिया है, अब आप यूजर की प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यूजर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम के बाद निक नेम भी आ रहा होगा। निक नेम नहीं आता। आप कहते हैं नहीं सर मैंने मॉडिफाई किया, निक नेम चाहिए मुझे। मेरा बॉस कहता है हर यूजर का निक नेम मैं खुद रखूंगा, वो लिखना है। तो अब आपको स्कीमा मॉडिफाई करना। समझ में आ रही बात? सर मिडिल नेम डाल दिया तो वो स्कीमा चेंज हो गया। जी लास्ट नेम एट्रीब्यूट है, लाहौर वैल्यू है, स्कीमा डील कर रहा है एट्रीब्यूट के साथ, वैल्यूज के साथ नहीं कर रहा, बात क्लियर होती है। तो स्कीमा मॉडिफाई करने का मतलब है नया एट्रीब्यूट डिक्लेयर किया है या एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट को छेड़ा। ठीक है, बात क्लियर होती है। ओके जी, एक्टिव डायरेक्टरी में दो स्ट्रक्चर हैं जिनके साथ हमारा वास्ता रहेगा। एक है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी, एक है लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। फिजिकल स्ट्रक्चर और लॉजिकल स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं मैं यहां लिख रहा हूं। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी जी, इसमें क्या आएगा? साइट्स, सबनेट्स, और आप एक और चीज लिखेंगे डोमेन कंट्रोलर्स। उसके बाद आता है लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी, और इसमें आप क्या लिखेंगे? फॉरेस्ट, ट्री, डोमेन। शाबाश। फॉरेस्ट, ट्री, डोमेन। ठीक है, ये फिजिकल और लॉजिकल स्ट्रक्चर है, और सबसे पहले तो आप इनके कंपोनेंट से बेहतर है कि इन दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट करें कि फिजिकल स्ट्रक्चर और लॉजिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है। देखें, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर का ताल्लुक ना ज्योग्राफी से होता है। ये ज्योग्राफिकली कंपनी का स्ट्रक्चर है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। आप कहते हैं कंपनी की प्रेजेंस लाहौर में भी है, कराची में भी, इस्लामाबाद में भी है। दैट मींस कि कंपनी की तीन साइट्स हैं। दैट डजंट मीन कि कंपनी की तीन डोमेन हैं। तीन लोकेशन जो हैं, क्या जरूरी है कि तीन लोकेशन हैं तो डोमेन भी तीन हो? मुझे आप एक बात बताएं, मैंने लॉजिकल स्ट्रक्चर में लिखी है फॉरेस्ट्री, डोमेन, ओयू। ओयू जो है वो सॉर्ट ऑफ डिपार्टमेंट होता है ना, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस। अगर एक कंपनी है, लाइक कॉर्बेट की एग्जांपल लेते हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तीनों जगहों पे कॉर्बेट की प्रेजेंस है, आपके ख्याल में अकाउंट्स का डिपार्टमेंट तीनों लोकेशंस पे होगा? बताएं,
नाम आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो पे रहने लाहौर आते होंगे, वहीं से पे होती होगी ना। ये तो नहीं होगा ना कि कंपनी कहती है कि जी हम अपनी सेल्स डिपार्टमेंट लाहौर में रखेंगे, मार्केटिंग इस्लामाबाद में रखेंगे, यानी मार्केटिंग सारी इस्लामाबाद में होगी और सेल लाहौर में होगी। इस तरह हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तीनों लोकेशन पे तीनों डिपार्टमेंट होंगे, सेल्स मार्केटिंग फाइनेंस, ऐसा ही है ना। yes, तो इसका मतलब है जो ये डिपार्टमेंट्स हैं इनका ताल्लुक कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल से नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल से है ना। तो इसका मतलब क्या है कि लॉजिकल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या डिक्टेट करेगा कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। बात समझ में आ रही? लॉजिकल स्ट्रक्चर का रिलेशनशिप किससे है? कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल से। डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट्स में यूजर्स कितने हैं, डिपार्टमेंट की पॉलिसीज क्या हैं, ये सारी चीजें रिलेट करती हैं किसके साथ? लॉजिकल स्ट्रक्चर के साथ। समझ में आ रही बात? यस। और जब आप बात करते हैं किसकी? फिजिकल स्ट्रक्चर। तो फिजिकल स्ट्रक्चर का ताल्लुक होता है लोकेशन से, ठीक है। और एडीएस के रेफरेंस से अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा आंसर ये होगा कि जब आप रेप्लिकेशन कंफिगर करेंगे तो आप कौन से मॉडल को देख रहे होंगे? फिजिकल मॉडल। फिजिकल स्ट्रक्चर क्या? जब आप डाटा की रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं ना, आप कहेंगे चेंजेस लाहौर में कर रहा हूँ, इस्लामाबाद में जानी है, फिर आप सोच रहे होंगे दरमियान में वैन लिंक आ रहा होगा, जाहिर है लाहौर से इस्लामाबाद पर केबल कहीं भी छिड़ी होगी। अगर आप लाहौर से चेंजेस इस्लामाबाद भेज रहे हैं तो डेफिनेटली रस्ते में क्या आ रहा होगा? वैन लिंक। लॉजिकल स्ट्रक्चर का काइंडली जरा दोबारा बता दें, फरमाइश आई है मौसम। लॉजिकल स्ट्रक्चर का ताल्लुक है कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल से। देखो लॉजिकल का वर्ड वहां आता है जहां पे कोई शेप आपके सामने आता, अदरवाइज लॉजिकल नहीं कहेंगे, फिजिकल कहेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है उसका ताल्लुक इससे नहीं होता कि फिजिकली वो चीज कहां से शुरू होके कहां खत्म हो रही है। लॉजिक का ताल्लुक होता है कॉन्सेप्चुअल चीज। तो लॉजिकल स्ट्रक्चर में ऐसे ही है। देखो डिपार्टमेंट, मैंने आपको एग्जांपल दी थी, सेल्स डिपार्टमेंट कराची में भी होगा, लाहौर में होगा, इस्लामाबाद में भी होगा, तो फिजिकल चीज को खत्म होगी तीनों जगहों पे, ठीक है ना। तो अब अगर कोई पॉलिसी ड्राइव होगी किसके लिए? सेल्स डिपार्टमेंट के लिए, तीनों लोकेशन के लिए। समझ में आ रही बात? तो लॉजिकल स्ट्रक्चर का ताल्लुक होता है कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल से, जबकि फिजिकल स्ट्रक्चर का ताल्लुक होता है कंपनी के रेप्लिकेशन मॉडल से। समझ में आ गई बात? रेप्लिकेशन मॉडल के साथ किसका ताल्लुक? फिजिकल। और एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल का ताल्लुक किसके साथ? फिजिकल के साथ, ठीक है। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं, पक्की बात है। अब जनाब जब आप एडीएस इंस्टॉल करते हैं, देखिए पता क्या होता है, किसी भी केस में जब भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस कर रहे होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो एरिया होता है वो हमेशा याद रखिएगा वो कॉन्सेप्चुअल होता है। एंटिटी फिजिकल होती है और उसका एरिया ऑफ अथॉरिटी कॉन्सेप्चुअल। फॉर एग्जाम्पल, बात मुश्किल लगेगी, मैं आसान बनाता हूं आपको। कोई किंग है तो किंग फिजिकल है ना, ठीक है। और उसकी हुकूमत किस जगह पे है? ग्रैंड में आप बनाएंगे यहां से लेके यहां तक, कॉन्सेप्चुअल चीज ऐसा ही होगा, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर है, उसका जो एरिया ऑफ अथॉरिटी है वो जरूरी तो नहीं है ना कि कंटीजियस हो। यार आप घर में, आपके घर में जनरली किसी घर में जो मोस्ट अथॉरिटेटिव बॉडी होती है वो कौन होता है? फादर। ऐसा ही होता है ना। अच्छा, फादर एक फिजिकल एंटिटी है, एक बंदा है। अब उसके एरिया ऑफ अथॉरिटी की हम बात कर रहे हैं, आपको हर बात अपने फादर से पूछनी पड़ती। लेट्स से आप यूएसए चले जाते, क्या अब आप उस एरिया ऑफ अथॉरिटी से बाहर निकल गए? बताएं मुझे, अब भी फादर से ही पूछनी पड़ेगी ना बात। यूएसए में गोरी पसंद आ रहा है, शादी करके कॉल करके पूछो ना, जो हम मुझे वो नहीं पूछेंगे। या उन्हें यकीन है कि गोरी शायद उन्हें पसंद